नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। अम्बाला के गांव धनोरा में पूर्व सरपंच को फेसबुक पर चोर और बेईमान लिखने पर बवाल हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दूसरे पक्ष के 200-300 लोगों ने पहले पूर्व सरपंच के घर ईंट पत्थर बरसाए और फिर चाकू तलवार और रॉड से हमला बोल दिया। हमले में पूर्व सरपंच के भतीजे संजय को पेट में चाकू लगा है और पुनीत को सिर में रॉड, जिन्हें आदेश मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उधर पुलिस ने पूर्व सरपंच की शिकायत पर नव निर्वाचित सरपंच के जेठ व रिश्तेदार समेत 27 हमलावरों पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। ग्राम पंचायत धनोरा से सरपंच पद के लिए पूर्व सरपंच सुखबीर सिंह की पत्नी सुदेश रानी भी चुनावी मैदान में उतरी हुई थी। यहां महक पत्नी नरेंद्र सरपंच बनी है। पूर्व सरपंच सुखबीर के आरोप है कि उनके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के जेठ बिंदर ने फेसबुक पर उसे चोर और बेईमान लिखकर चुनाव प्रसार किया। पूर्व सरपंच ने आरोप लगाया कि हमले में उसके भतीजे संजय और पुनीत को गंभीर चोटें आई हैं, साथ ही आंगन में खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। सुखबीर सिंह ने बताया कि चुनाव के बाद कल अपने घर पर उन्होंने पंचायत बुलाई थी, जिसमें नव निर्वाचित सरपंच के जेठ बिंदर को फेसबुक से सभी पोस्ट डिलीट करने तथा माफी मांगने की बात कही थी। इसी रंजिश के चलते बिंदर और इटली से आए इनके रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह ने ग्रामीणों को उनके खिलाफ भड़का दिया। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना।